नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके यहाँ प्रोग्राम चेंज के बारे में कि क्या आप इग्नू से प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं और इसका सबसे इजीएस्ट सबसे आसान तरीका क्या है और क्या सभी कोर्सेज पे ये अप्लाई होता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको सारी की सारी खबरें आपके कोर्सेज से जुड़ी हुई। और हाँ, कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करने चाहिए, आप कैसे पास हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको जाननी होती है, लेटेस्ट खबरें यहीं मिलती है। उसी के साथ आप विजिट कीजिए हमारे अनदर चैनल पे जो कि है आरोही की एडवाइस। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर विजिट कीजिए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चैनल किस टॉपिक पे है, तो आपकी जोड़ी किसके साथ बेस्ट है और उसी के साथ आपको प्यार में कौन सी बुरी हरकतें नहीं करना चाहिए। और जी हाँ, ब्रेकअप से उभरने के लिए आप कैसे, कौन से स्टेप ले, बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलेगी। तो जी हाँ, चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाइए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या हमारे अनदर चैनल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल पे आइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे मेन टॉपिक जो आपका है इग्नू प्रोग्राम चेंज और सब्जेक्ट चेंज। तो इग्नू का प्रोग्राम चेंज और सब्जेक्ट चेंज कैसे करें और किस कौन कौन सी शर्तें हैं जो इग्नू लागू करता है, बहुत सारी इसकी शर्तें हैं, उन शर्तों को आप ज़रूर से ज़रूर जानिए। पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले आप लिखिए कि आप कौन से कोर्सेज से हैं, आपका कोर्स क्या है और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, इतना तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि अलग अलग पॉलिसी होती है, आप बैचलर डिग्री पे हो, आप प्रोग्राम डिग्री पे हो, प्रोग्राम कोर्सेज पे हो, आपका आप अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज पे हो, और इसके अलावा अगर आप यूजी पीजी के कैंडिडेट हो, तो कुछ भी हो, अलग अलग पॉलिसी इस पे लागू होती है। और रिफ़ंड की भी बात हम इसमें करेंगे कि क्या अगर अपना कोई कोर्स कम्प्लीटली कैंसिल करा देगा तो रिफ़ंड मिलती है, उसके प्रोसेस के बारे में मैंने आपको वीडियोज़ में बताए हैं, इंड स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। इग्नू पाठ्यक्रम बदलना बैचलर्स डिग्री में, कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं चूज़ कर सकते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्म भी बताएंगे कि किस तरह आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करोगे, तो फॉर्म के लिए भी ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट वीडियो देखिएगा। यहाँ पे आपको बताऊंगी किस तरह से आप चेंज करेंगे, जैसे कुछ कंडीशंस हैं। इग्नू पाठ्यक्रम चेंज यानी अपना प्रोग्राम आप चेंज करना चाहते हैं कंप्लीट रूप से। प्रोग्राम चेंज होते हैं और दो चीज़ होती है, एक तो प्रोग्राम चेंज यानी आप पूरा का पूरा विषय ही अपना बदल रहे हैं, आपका विषय है, आप पूरे स्ट्रीम ही बदल रहे हैं, आप बीए से बीकॉम हो रहे हैं, आप आर्ट्स से कॉमर्स में, कॉमर्स से साइंस में, किस में आप चेंज कर रहे हैं, ऐसा होता है कि पूरा का पूरा प्रोग्राम स्ट्रीम चेंज करना। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप जैसे कि अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट चेंज भी कर सकते हो, वो अलग प्रोसेस हो गया, और आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम बदलना वो अलग प्रोसेस हो गया। इग्नू छात्रों को बीए से बीकॉम, बीटीएस और बीएसडब्ल्यू, आप जो छात्र हैं वो तीन कंडीशन है यहाँ पे, आप सब कोर्सेस में चेंज नहीं कर सकते। बीकॉम से आप बीए, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू में चेंज हो सकते हैं, अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। इसी के अलावा कोई कैंडिडेट बीएससी से बीए, बीकॉम, बीटीएस, बीएसडब्ल्यू तक जो कोर्सेस है बीएसडब्ल्यू कर सकता है, लेकिन कोई कैंडिडेट चाहे कि वो आर्ट्स में है, बीए में है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कर रहा है और वो चाहे कि वो बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी करे, तो ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो आपको मैंने कंप्लीट रूप से बता दिया, कोई कैंडिडेट अगर बीकॉम में है यानी कॉमर्स कैंडिडेट है, तो वो चाहे कि वो साइंस में अपना प्रोग्राम चेंज करे, तो ये नहीं हो सकते। हालांकि जो साइंस वाले कैंडिडेट है, बीएससी कर रहे हैं, वो अपना प्रोग्राम बीए, बीकॉम, बीटीएस और बीएसडब्ल्यू में चेंज कर सकते हैं। ये रह गई बैचलर्स डिग्री के बारे में बात। अब हम इसके बारे में कुछ और चीज़ें बात करते हैं। केवल प्रथम वर्ष के छात्रों को ये अनुमति दी गई है, आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट हैं उनको ही दिया गया है। आप जो है सेकेंड ईयर में जाके ये चीज़ नहीं कर सकते, आप फर्स्ट ईयर में हैं तभी आप चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम। पाठ्यक्रम सामग्री के पहले सेट की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर किया जा सकता है। आपको जैसे ही स्टडी मटेरियल मिलती है उसके 30 दिन के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप करना चाहें तो फिर आप नहीं कर सकते। आपका फर्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन आपने किया तो फर्स्ट ईयर में ये प्रोसेस आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शुल्क लगेंगे, जैसे 500 रुपये से अधिक 300 रुपये क्रेडिट वाइज। अगर आप क्रेडिट आपका जिस हिसाब से है,
तीन चार पांच सब्जेक्ट है आपका, उस हिसाब से आपको यहाँ फी देना पड़ेगा 300 से 500 रुपये से 600 रुपये तक। भुगतान संबंधी जो भी आपका यहाँ पे स्थान होगा कि आपको कहाँ और कैसे आपको पेमेंट करनी है, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको पेमेंट करना है पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, BA, BCom, BTS, BHW से BSc तक किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा BA, BCom, BTS से आप साइंस में चेंज नहीं करा सकते। मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर डिग्री में देखिए, मास्टर डिग्री में कुछ कोर्सेस हैं जिसको आप चेंज करा सकते हैं, जैसे कि MEG, MHD, MPS, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, MPA, MSO, MEC, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, MARD, MCOM, मास्टर ऑफ कॉमर्स, MAPY, MAPC में कार्यक्रम का परिवर्तन उन्हीं नियमों का पालन करता है जैसे कि स्नातक में। तो वही सारे नियम हैं फॉलो करेंगे, कहने का मतलब है कि आप इससे चेंज नहीं करा सकते हैं साइंस में, आप इन कोर्सेज को साइंस में चेंज नहीं करा सकते हैं, बट साइंस वाले कैंडिडेट इन कोर्सेज में चेंज हो सकते हैं। इसमें भी वही चीज़, सारे रूल्स रेगुलेशन है, आपको 30 दिन के अंदर ये सारे काम करने हैं। छात्रों को नए कार्यक्रम में पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा। आप ये चीज़ जान लीजिए कि आपने जो पहली कोर्सेज के लिए फंड किया था, आपको नया कोर्स जब आप लेते हैं तो उसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, आपको फिर नए कोर्स में फिर से आपको फी सबमिट करनी होगी, जितनी भी कोर्स की फ़ी होती है आपको कंप्लीट रूप से देनी होगी। और दूसरी चीज़ है कि जो आपने स्टडीड मटेरियल आपके पास पहुंचा था, आपको उसको वापस भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ आपको नहीं करना है। क्या आप अपना प्रवेश जो है रद्द कर सकते हैं और उसके लिए रिफंड मिलेगा? आप इजीली अपना प्रवेश रद्द कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी भी सेशन में हो, ये एक अलग सवाल हो गया। आप किसी भी कोर्स में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप अपने एडमिशन्स रद्द कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सूचित करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करनी पड़ेगी रीजनल सेंटर्स में, उसके बाद आपका जो है रद्द हो जाएगा, लेकिन आपको रिफंड जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। प्रवेश के बाद फी वापसी की जाती है? बिल्कुल भी नहीं की जाती है। आप इस बात को ध्यान में रख ले कि आपका रिफंड पॉलिसी जो नहीं है, इग्नू आपको रिफंड नहीं देगा। हाँ, अगर आपने प्रोग्राम करवाया, यानी कि आपने एडमिशन लिया, एडमिशन कंफर्म नहीं हुई, तो फिर आपको बता दूं कि आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये रहा फॉर्म, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। ये कहाँ सबमिट होगा? ये आप जाके स्टडी सेंटर पर सबमिट कर सकते हो, रीजनल सेंटर पे सबमिट कर सकते हो। स्टडी सेंटर में भी सबमिट करोगे तो वो रिडायरेक्ट होता है रीजनल सेंटर्स को, तो यहाँ पे आपका जो भी रीजनल डायरेक्टर है उसका यहाँ पे नाम लिखना है। सब्जेक्ट जो आपका है, इनरोलमेंट नंबर, मीडियम, चेंज ऑफ मीडियम फ्रॉम, आपका इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो अगला कॉलम है यहाँ पे, चेंज ऑफ मीडियम फ्रॉम मीडियम फ्रॉम किस मीडियम से किस में चेंज कराना चाहते हैं, चेंज ऑफ कोर्सेस, स्टडी से स्टडी डिटेल, आप कौन से कोर्सेस में आप यहाँ पे चेंज कराना चाहते हैं, तो टाइम ऑफ, टाइटल ऑफ द कोर्सेस ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो कोर्स का जो भी टाइटल है वो आपको इसमें डालना है, मीडियम डालना है, और कौन से कोर्स आप लेना चाहते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें ऐड करने हैं, और उसके बाद आपको फी जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू रीजनल सेंटर्स को सेंड करने हैं। डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, डेट और अमाउंट और ड्रॉन ऑन, आपको सारा कुछ क्लियर करके, डिमांड ड्राफ्ट का पूरा डिटेल फिलअप करके, सिग्नेचर, नेम और एड्रेस डाल के, अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे लगेगा, कंप्लीट रूप से आप इसको भर के और दीजिए, ये आपका पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी टाइप की क्यूरीज होगी, सवाल होगी, उसके लिए तो हम हैं। और उसी के साथ आपको बता दूँ, प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो चेक करवाना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट में आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, ये फॉर्म जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और भी कोई लेटेस्ट आपकी कोई भी अगर आपके सवाल हो तो उसका जवाब हमारे चैनल पे मिलेगा। थैंक यू सो मच।